Assalamu alaikum, good morning and once again welcome to Subah Ke 10. Kaise hain aap log? Ek baar phir show mein khushamdeed kehti hoon. Subah subah aaj hum aapko kahan le aaye hain? Apne studio se bahar ek baar phir ek bahut hi zabardast si jagah. Ek bahut hi fantastic organization hai Karachi shehar mein, Aman Foundation ke naam se. Ye foundation 2009 mein jo hai, establish hua, launch hua aur tab se lekar aaj tak is idare ne itna sara kaam kiya hai education aur healthcare ke sectors mein. तो हमने भी सोचा कि भाई यहाँ पे एक शो ज़रूर करना चाहिए. ये लोग तालीम के हवाले से और हेल्थ केयर जो पाकिस्तान का एक बहुत ही बड़ा एरिया ऑफ कंसर्न है उस पर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं. ये कराची वाले जो हैं, मेरे पीछे जो एक एम्बुलेंस यहाँ पे सब मौजूद है, ये हर कराची वाले ने किसी ना किसी वक्त अपनी ज़िंदगी में ज़रूर अपने शहर पे देखा है. बहुत सारे एम्बुलेंसेज हैं इस इदारे के पास, बहुत ज़बरदस्त काम करते हैं. तो आज क्योंकि रमज़ान भी बस अब शुरू ही होने वाला है तो हमने सोचा कि बहुत ही स्पेशल शो करते हैं जहाँ पर हम उन तमाम लोगों से अपील करें जो लोग इस साल इस महीने रमज़ान में बहुत लोग ज़कात भी देते हैं, अतियात भी देते हैं, डोनेशंस भी देते हैं. तो हमने सोचा ये एक बेहतरीन वक्त होगा कि आज हम अपने ऑडियंस को अमन फाउंडेशन के हवाले से बताएं कि क्यों ये इस ऑर्गेनाइजेशन को अपने अतियात दें, अपने डोनेशंस दें, अपना ज़कात दें कि वो इतनी बेहतरी से जितने सारे काम करते हैं उसको और भी मज़ीद बेहतरी से करें और आप और मैं भी डोनेशंस दे सकें कि हमारे पैसों से और हमारे डोनेशन से, हमारे ज़कात से किसी न किसी की जान बच सके. तो आज हम आपको पूरा ये सिस्टम समझाएंगे कि इनकी एम्बुलेंसेज कितनी हैं, कैसे चलती हैं, इनके पैरामेडिक्स ट्रेन कहाँ होते हैं, खुदा ना खास्ता अगर आपके घर में इमरजेंसी होती है तो एम्बुलेंस बुलाने का तरीका क्या होता है, हमारा ख़र्चा कितना होगा अगर हम एक एम्बुलेंस अमन फाउंडेशन से यहाँ से बुलवाएंगे, क्योंकि बाज़ औक़ात लोगों को लगता है शायद हमारा ख़र्चा बढ़ जाएगा, तो वगैरह वगैरह वगैरह. तो ये फैसिलिटी हमारे पास माशाल्लाह मौजूद है और शो शुरू करने से पहले ही मैंने अंदर एम्बुलेंस का एक चक्कर लगाया था तो इतना साफ एम्बुलेंस, इतने पढ़े लिखे पैरामेडिक्स, इतना अच्छा रिस्पांस टाइम. खुदा ना खास्ता अगर कोई इमरजेंसी होती है तो 1021 इनका नंबर है जो आप अपने मोबाइल से, अपने लैंडलाइन से इनको कॉल भी कर सकते हैं और 10 मिनट के अंदर अंदर इनका एक जो रिस्पांस टीम है वो काम करती है और आपको जो ये पैरामेडिक्स है आपके घर तक, आप जहाँ पर भी हों वहाँ पर आप तक पहुँच जाएंगे. तो एक ज़बरदस्त सा इदारा जो एक ज़बरदस्त सा काम कर रहा है और मैंने और हमारी पूरी टीम ने सोचा कि रमज़ान के शुरू होने से पहले एक बहुत ही अच्छा आइडिया है कि हम उन लोगों से अपील करें जो लोग हमारा शो देख रहे हैं कि अगली दफ़ा वो अपना ज़कात और डोनेशन देने जाएँ तो वो अमन फाउंडेशन पर क्यों आएँ और इनकी एम्बुलेंसेज को क्यों सपोर्ट करें. तो आज इसी पे शो होगा. हम लोग एक ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक से जैसे वापस आएंगे हमेशा की तरह हम अपना शो शुरू कर देते हैं. अंदर हमें उन्होंने इजाज़त दी हुई है कि आप आइए देखिए. तो CNC करके इनका कमांड एंड कंट्रोल रूम होता है जो एक पहला कदम होता है. खुदा ना खास्ता अगर किसी के यहाँ भी इमरजेंसी हो तो जब नंबर मिलाते हैं तो वो शख्स जो लाइन के दूसरे साइड पे फ़ोन रिसीव करता है वो कहाँ होता है, वो कौन होता है, वो क्या काम करता है, वो हमें किस तरीके से गाइड करता है वगैरह वगैरह. तो आज इन तमाम चीज़ों के हवाले से बात होगी. अमन फाउंडेशन पे आज हमने ये बहुत ही स्पेशल शो करना है एंड वंस अगेन लाइक आई सेड, तालीम और आपकी सेहत यही इस कंपनी की, इस ऑर्गेनाइजेशन की प्रायोरिटी है. तो बिल्कुल हमारा तो फ़र्ज़ बनता ही बनता है कि हमने सपोर्ट करें और इनके बारे में जाने भी. तो एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जैसे हम वापस आएंगे तो आज हम अमन फाउंडेशन का पूरा चक्कर लगाएंगे और आपको ये पूरी जगह डिटेल में दिखाएंगे कि आपको भी यकीन हो जाए जब यस मुझे अपने डोनेशन, अपना ज़कात यहीं देना है. सी यू आफ्टर दिस ब्रेक एंड वी विल सी यू इन CNC कमांड एंड कंट्रोल. दैट्स राइट, अब मुझे याद हो गया. ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद. ब्रेक आप देख रहे हैं सुबह के 10. जैसे कि आप सब जानते हैं आज हम लोग अमन फाउंडेशन आए हुए हैं जहाँ पे हम पूरे इस ऑर्गेनाइजेशन का एक जायज़ा ले रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि लोग कितना ज़बरदस्त काम करते हैं. तो CNC रूम से मैंने अपना काम शुरू करना था. मैंने आपको बताया था कि जब खुदा ना खास्ता हमारे यहाँ इमरजेंसी होती है तो हमें अपना फ़ोन उठाना है, 1021 पर कॉल करना है और सबसे पहले हमारे जो कॉल्स रिसीव करते हैं वो कौन लोग होते हैं. ये तमाम इंपॉर्टेंट लोग इस वक्त मेरे आगे यहाँ पे मौजूद हैं लेकिन ये लोग क्या करते हैं, आगे से इनका रिस्पॉन्स कैसे होता है, ये कैसे लोगों से बात करते हैं, इन तमाम चीज़ों पर
रोशनी डालने के लिए हमारे पास अमन फाउंडेशन के ही एक रिप्रेजेंटेटिव इस वक्त हमारे शो पे मौजूद है. वेलकम करना चाहूँगी अफान सिद्दीकी साहब को. अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वेलकम टू द शो. बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का. तो सीएनसी रूम, कमांड एंड कंट्रोल रूम, ये मेरे ख्याल से इस पूरे फाउंडेशन का सबसे अहम कमरा यही होगा जहाँ पर सारी इमरजेंसीज हैंडल होती हैं. मेरे घर इमरजेंसी भी मैंने कॉल की, सबसे पहले मेरी कॉल यहाँ पहुँचती है, सिलसिला सारा यहाँ से शुरू होता है. जी, ये बेसिकली फर्स्ट हैंड है, इसे तमाम कॉल पे यहाँ से प्रोसीड किया जाता है. ये हमारे जो शॉ है इतना बिल्कुल, ये एमरजेंसी मेडिकल डिस्पैचर्स कहलाते हैं. ठीक है, जो तमाम के तमाम जो ट्रेंड स्टाफ है. सही, ठीक है. ये लोग कॉल को यहाँ से प्रोसेस करते हैं, ये उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस करे आते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली जो है पेशेंट की कंडीशन को वेरीफाई किया जाता है. देन वो इन्फॉर्मेशन हमारे सेकंड डॉक पीछे रूम में जाते हैं. बिल्कुल बिल्कुल, ऑपरेटर्स कहलाते हैं ये, जो इस तमाम इन्फॉर्मेशन को आगे हमारे एम्बुलेंस को प्रोसीड करते हैं थ्रू अ वायरलेस. तमाम एम्बुलेंस का स्टेटस मौजूद है, ये हम वहाँ जा भी सकते हैं. बिल्कुल जी. जो ब्लैक वाली है वो खड़ी हुई मौजूद है इन केस ऑफ इमरजेंसी, उनको नीड होती है तो इनको भी आगे फर्दर उनको मूव कराया जाएगा फर्दर इमरजेंसी के हवाले से. सही है सर, मुझे बताएं तो ये जो पूरा रो है जो आपने पहले एक बार फिर कहा है कि ये जो सेकंड रो है जो पीछे की तरफ है, ये सबसे पहले आपकी कॉल देता है, फिर ये आपको इनके आगे यहाँ फॉरवर्ड करता है. ये बेसिकली हमारा फर्स्ट हैंड है, ये जो भी कॉल आती है उसको यहाँ पे रिसीव किया जाता है, उसको ट्रैक किया जाता है, देन उसको फर्दर इन्फॉर्मेशन को आगे कि अगर हार्ट अटैक है तो ये बताएंगे कि कहाँ रो है. कुछ इतना बड़ा इमरजेंसी सिस्टम है, मैं आपको सिस्टम के बारे में शो करा देता हूँ. बिल्कुल बिल्कुल, आ जाते हैं, पहले बताइए. दिस वन को कहते हैं हमारे मेडिकल प्रायोरिटी डिस्पैच सिस्टम. अच्छा, ये बेसिकली कंप्यूटर सिस्टम होते हैं जो हम कार्डिफ में यूज़ कर रहे हैं राइट नाउ. अच्छा, ये सिस्टम बेसिकली हमें हेल्प आउट करते हैं किस तरह से हम पेशेंट की कंडीशन को वेरीफाई करेंगे. ठीक है, समवन अगर सपोज कोई हार्ट अटैक का पेशेंट है हमारे पास मौजूद है, फौरन आप इसमें हार्ट अटैक ढूंढेंगे. ठीक है, ठीक है. रिलेटेड पेशेंट की कंडीशन को वेरीफाई करने के मुख्तलिफ इसके अंदर हमारे सिस्टम है, वो किस तरह से हमें डिफाइन करते हैं किस लेवल की डिफिकल्टी है पेशेंट को. ठीक है, तो इससे आसानी हो जाती है कि खुदा ना खासा अगर किसी को जैसे अंदर का हार्ट अटैक हुआ है तो आप फौरन ही पेज खोलें जहाँ पे हार्ट अटैक लिखा है, तो वो आपको फौरन बता देगा कि आपको पेशेंट से कौन से सवाल करने चाहिए, कि वो जागे हुए हैं, वो सो रहे हैं, उनको सांस सही आ रही है, उनको नहीं आ रही, उनका रंग बदल रहा है, उनका रंग नहीं बदल रहा है, तमाम चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं. बिल्कुल, और इन सही कलर कोडिंग की भी बेसिकली पेशेंट की कंडीशन को वेरीफाई करने के लिए है कि किस तरह से उसको वेरीफाई करना चाहिए. डेल्टा कोड मीन्स के काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन है. ठीक है, उससे नीचे अगर हम देखते हैं हमारा चार्ली कोड होता है. ठीक है, उससे मजीद सीरियस कंडीशन है. ठीक है, डेल्टा, इको, चार्ली, ब्रावो, अल्फा हमारी कंडीशन होती है. ठीक है, इन क्वेश्चन के थ्रू हम लोग पेशेंट की कंडीशन को वेरीफाई करते हैं और उसकी क्रिटिकल कंडीशन के हवाले से हम लोग अपने आगे वाले डिस्पैचर्स हैं उनको इन्फॉर्म करते हैं. और ये फौरन से पहले एम्बुलेंस को ये इन्फॉर्मेशन पूरी पास करते हैं पेशेंट किस कंडीशन में है. ठीक है, मुझे आप बताइए जब मैं यहाँ पे कॉल करती हूँ तो इनको ये कितनी लंबी बात करेंगे मेरे से, क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशन है तो उनको 2 से 3 मिनट में जायजा लेना है कि क्या हो रहा है. अप्रॉक्सीमेटली 1.5 मिनट से 2 मिनट होता है कॉल को प्रोसीड करने का टाइम हमारा, जिसमें पूरी कंडीशन वेरीफाई करना, आगे इन्फॉर्मेशन पास करना. इसी का हमारे तरीकेकार होते होते हैं फर्स्ट इन्फॉर्मेशन लेके एम्बुलेंस डिस्पैच करवाना, देन जो हमारे एमरजेंसी मेडिकल डिस्पैचर हैं ये इस कंडीशन के अकॉर्डिंग पेशेंट फर्स्ट एड भी गाइड करते रहते हैं कि आप अभी पेशेंट के साथ ये करें, क्या लिटाना है उन्हें, क्या खाने को देना है, क्या नहीं देना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन वो इसके थ्रू फिर उसको गाइड करते रहते हैं 24 घंटे हफ्ते में 7 दिन. ये इतने ही लोग यहाँ पे होते हैं हमेशा, इतने ही लोग. अच्छा, इमरजेंसीज आपको तो ज़्यादा ही पता होगा, लेकिन किस टाइम पे ज़्यादातर एक्टिव होते हैं? दिन के बाद तो बहुत सारी कॉल्स आती होंगी. नहीं, रात में भी हो सकती है. रात में भी है बेशक, लेकिन दिन का और शाम का टाइम जो है बिल्कुल ज़्यादा होते हैं. रात में बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कॉल होती हैं. अप्रॉक्सीमेटली 1000 कॉल पर डे हम लोग जो रिसीव 1000 कॉल दिन में इस कमरे में आती हैं. अप्रॉक्सीमेटली 300+ जो है हमारी डेली के इंटरवेंशन होती हैं इमरजेंसी. तो यहाँ से ये भी डिसाइड करते हैं कि कोई कोई लोग तो डर जाते हैं शायद इमरजेंसी हो ना, एम्बुलेंस की ज़रूरत ना हो, तो यहीं से इनसे बात करके. तो इनकी ट्रेनिंग का थोड़ा सा बताइएगा कि इनको कैसे ट्रेन किया जाता है कि इनको पता हो कि इस तरीके से. जी बिल्कुल, हमारा पूरा ऐसा सिस्टम होता है मेडिकल प्रायोरिटी डिस्पैच सिस्टम होता है ये, जिसके हमारे जो मुख्तलिफ ट्रेनिंग डिपार्टमेंट हैं, जो लीड ट्रेनर्स हैं, वो हमारे वो पेशेंट हमारे जितने भी इमरजेंसी मेडिकल डिस्पैचर्स हैं, इनको उस कंडीशन के हवाले से यूज़ करने के तरीके सिस्टम को, तो उसको किस तरह से यूज़ करना है, किस तरह से प्रोवोक करना है, किस तरह से जो है हाइपर कॉलर है या बहुत ज़्यादा कॉल भी होते हैं अगर कॉलर जो होते हैं, कोई कोई लोग पैनिक होते हैं, बहुत पैनिक करते हैं, पैनिक क्रिएट करते हैं, उनको किस तरह से काम करना है, किस तरह से इन्फॉर्मेशन लेनी है और इन्फॉर्मेशन को अगर प्रोसीड करके
इनको मजीद काम करके स्पेसिफिकेशनली हेल्प आउट करना है। इन एम्प्लॉइज की शिफ्ट कितनी लंबी होती है? लगभग कितने 8 आवर्स की शिफ्ट? 8 आवर्स क्योंकि कितने और वो कितने और एक एक कॉलर जो है वो कितने लोगों से बात करता होगा दिन में? अगर 1000 कॉल्स आती हैं अप्रॉक्सीमेटली 80 to 90 कॉल्स। 80 to 90 कॉल्स बिल्कुल ऐसा भी होता है, कॉल्स होती हैं ये बिल्कुल। रिसेंटली हमारा ये अमृत का जो एक नया रिकॉर्ड भी है पाकिस्तान में, फर्स्ट टाइम हुआ है कि ऑन कॉल बेबी को डिलीवर करा गया है। अच्छा जी, ऑन कॉल बेबी को भी डिलीवर किया हुआ है इसी कमरे से? करा गया है, ये घर पे शिफ्ट, होम शिफ्टिंग थी ये बेसिकली, और हमारी जहाँ कॉल आई थी और यहीं से कॉल को प्रोसीड करा गया, उन टैक्टिक्स को यूज़ करा गया, खूब हेल्प आउट करा गया और जो फर्स्ट एड से रिलेटेड क्वेश्चन थे उसके वो इन्फॉर्म करके बेबी को घर पे डिलीवर कराया गया, फर्स्ट टाइम पाकिस्तान। वाह माशाल्लाह, नहीं बहुत सुन सुन के भी मैं काफ़ी इम्प्रेस हो गई हूँ। नंबर ऑफ एम्बुलेंसेज 80, 85, 60, 65 जो एम्बुलेंसेज होती हैं एक टाइम पे 65 एम्बुलेंसेज हमारी ऑन रोड 65 एम्बुलेंसेज 100 एम्बुलेंसेज हमारा स्टाफ है लेकिन हमें 65 एक टाइम में हम लोग ऑन रोड रखते हैं ओवरऑल कराची। वाओ, तो 65 एम्बुलेंसेज हैं। और एक बार फिर जैसे कि उन्होंने कहा, फिर उन्होंने यहाँ से डिस्पैच किया, उस मैप पे उन लोगों ने देखा कि अभी कौन सी एम्बुलेंस कहाँ है, तो अगर खुदा ना खास्ता इमरजेंसी अगर गुलशन इकबाल में है या क्लिप्टन में है तो वहाँ पर सबसे करीब जो पॉइंट होगा वहीं से ही एम्बुलेंस निकल के उसको डिस्पैच किया जाएगा। बिल्कुल, मैं चाह रही थी हम ब्रेक के बाद आएँ इसमें लेकिन हम आ गए तो आ गए, आ जाते हैं। कराची का कंप्लीट मैप है जिसको हमने दो जोन से डिवाइड करा हुआ है। ये जो रेड स्टिकर्स आप देख रहे हैं जैसे कि हमारे स्टेशन हैं, ये रेड स्टिकर्स पे स्टेशन हैं, ठीक है, तो हमारे लोकेशन है बेसिकली मेन, ये हमारे स्टेशन हैं जहाँ पे हमारे एम्बुलेंस के हैंडलिंग टेकिंग या स्टाफ चेंजिंग स्टाफ चेंजिंग होती है। हम लोग अभी कमांड कंट्रोल में मौजूद हैं, हम हैं यहाँ जी बिल्कुल, वाह हम यहाँ सब मौजूद हैं और यहाँ से ये सब रास्ते में ये स्टिकर पेस्ट नज़र आ रहे हैं छोटे छोटे जो हैं, ये की पॉइंट्स हैं ओवरऑल कराची के, ठीक है, तो जो भी हमारी कॉल आती है उसके एड्रेस से लेकर जो भी नियरेस्ट एम्बुलेंस होती है उसको मैसेज। वाह काफ़ी स्प्रेड आउट हैं आप लोग, काफ़ी काफ़ी दूर तक हैं बिल्कुल, के थ्रू हम लोग जो पेशेंट को जो है नियरेस्ट एम्बुलेंस जो लोकेशन करवाते हैं, तो गुलशन से कॉल है तो देखा है तो गुलशन में किस जगह से और से रिलेटेड जो भी एम्बुलेंस नियरेस्ट होती है वो एम्बुलेंस सर मुझे बताएं, तो अगर यहाँ पे इमरजेंसी हुई, अच्छा तो ये हॉस्पिटल दिखी हुई है जो करीब में थोड़ा सा, हाँ तो यहाँ एरिया के जो हॉस्पिटल्स हैं ये एम्बुलेंसेज के साथ ही लिखी हुई है कि उनको पता चल जाए कि अगर इस इलाके में अगर इमरजेंसी भी है तो ये आपको उठा के SGH लियाकतबाद हॉस्पिटल फॉर इंस्टेंस ले जाएगा, यासिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल बिल्कुल यहाँ ले जाएगा, या जहाँ मिड सिटी हॉस्पिटल जो भी उस एरिया में हॉस्पिटल होंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से 15-20 मिनट का टर्न अराउंड टाइम होगा जहाँ पहुँचे, कराची में ट्रैफिक वगैरह 8 मिनट माशाल्लाह माशाल्लाह, क्योंकि मैंने बड़े एम्बुलेंसेस को कराची शहर में ट्रैफिक में फंसे हुए देखा है, तो मुझे ये भी बताया गया कि आप लोग अपने सायरन का खामखा में इस्तेमाल नहीं करते, जैसे लोगों को तंग करने के लिए बड़े लोग जो अपने एम्बुलेंसेस के सायरन का इस्तेमाल करते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताई गए, तो उसके बगैर भी 8-10 मिनट में पहुँच जाते हैं, अगर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है तो सायरन का इस्तेमाल होता है। सही होता है कि रोड कंडीशन हमें मिलती है तो हम लोग कोशिश यही होती है कि इस टाइम पीरियड में एम्बुलेंस पहुँच जाए, हमारे इमरजेंसी डिस्पैचर्स होते हैं और जब तक एम्बुलेंस नहीं पहुँचती तो उसका ऑन कॉल मौजूद है, ऑन कॉल मौजूद होता है, अगर पेशेंट कंडीशन वर्स हो रही हो तो वो सब कर रहे हैं क्या। अच्छा एक स्टेशन पे एक वक्त पे कुछ एम्बुलेंसेस खड़ी भी तो नहीं होती, वो अपनी अपनी जगह होती है, स्टेशन से सिर्फ रास्ता रहता है, स्टेशन पे यहाँ पे आके चेंज करते हैं यहाँ से हैंडिंग टेकिंग करी जाती है, इसी वजह से भी एक नई जो है सर्विस शुरू करी हमारे रिस्पॉन्स यूनिट का बिल्कुल, जिसमें हम लोगों ने मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर अपनी बाइक्स के ऊपर जो कम्प्लीट इसके अंदर ऑक्सीजन वाला सब चीज़ें मौजूद होती हैं, फर्स्ट एड से रिलेटेड लाइफ सेविंग ड्रग्स भी होती हैं बिल्कुल, तो अगर कोई ऐसा एरिया जहाँ पे हमारी एम्बुलेंस मौजूद ना हो उसके बिल्कुल उधर जो बाइक जो राइडर हमारे पैरामेडिकल स्टाफ उनको राउट कर देते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे इस इलाके में बहुत ज़्यादा इमरजेंसी होगी तो क्या 2-3 एक वक्त पे भी या फिर आप कंट्रोल सेंटर से बताते नहीं आप जाएंगे आप ना जाएं, बेशक आप चार रो करीब में हैं लेकिन क्या कि पहली कोशिश यही होती है कि जो एम्बुलेंस ज़्यादा नियरेस्ट हो वो पहले पहुँचेगी, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग जो है एम्बुलेंस रूट करते हैं, या अगर कोई बड़ा इंसिडेंट हो जाता है कि जहाँ पे 2-3 या उससे ज़्यादा एम्बुलेंस की जरूरत होती है उनको वहाँ पर रूट किया जाता है, ठीक है। कोई ऐसा टाइम होता है जब एम्बुलेंसेस कम हो एक वक्त पे, या फिर जैसे रात के वक्त 10 एम्बुलेंसेस चलती हैं हम सारी नहीं चलाते, ऐसी कोई कहानी नहीं है? ठीक है, वाह बिल्कुल
میرے خیال سے رات میں لوگ پینک بھی تھوڑا زیادہ کر جاتے ہوں گے. ایک بریک لیں گے ہم, بریک کے بعد ہم یہاں پہ موجود ہیں اور جتنی ساری سوال جواب آپ کے ہیں جو ہمارے پاس بھی ہیں, ہمارے پاس اپنے خود کے بھی بہت ہیں, سارے سوال جواب یہاں پہ ہو رہے ہیں. امن فاؤنڈیشن پہ آج ہم موجود ہیں اور آپ کو بھی بتا رہے ہیں کہ کیوں اس مہینے کا جو زکوٰۃ ہے, اس سال کا جو زکوٰۃ ہے, رمضان میں بہت سارے لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں, بہت سارے لوگ عطیات دیتے ہیں, اپنے ڈونیشن جو ہیں وہ امن کی طرف ضرور اس کو جو ہے راغب کریں. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. وی اسٹل اراؤنڈ دی فاؤنڈیشن, یہیں پہ ہم اپنا سلسلہ جاری رکھیں گے. آفان صاحب ہمارے پاس ہیں. وی ول سی یو رائٹ آفٹر دس ویری شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر بریک. آپ دیکھ رہے ہیں صبح کے 10. جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں آج ہم امن فاؤنڈیشن پہ موجود ہیں. امن فاؤنڈیشن بیسکلی آپ کی ہیلتھ کیئر اور آپ کی ایجوکیشن کے حوالے سے بہت زیادہ کام کرتا ہے. ہم تھوڑا بہت ہیلتھ کیئر پہ اس لیے فوکس کر رہے ہیں کیونکہ رمضان بس اب شروع ہی ہونے والا ہے, اور جیسے جیسے رمضان شروع ہوگا تو اس مہینے بہت سارے لوگ عطیات اور زکوٰۃ بھی دیتے ہیں. تو ان سے بالکل درخواست ہے, ریکویسٹ ہے کہ آپ ضرور امن فاؤنڈیشن کی طرف اپنے ڈونیشنز کو دینے کا سوچیں اور دیں بھی. اور آج ہم یہاں اس لیے موجود ہیں کہ آپ کو ایک دفعہ سے پتہ ہی چل جائے کہ یہ کس طریقے سے کام کرتے ہیں, کیونکہ جب لوگ اپنی آنکھوں سے کوئی چیز دیکھتے ہیں ان کو پتہ چلتا ہے کتنا کلیئر کٹ کام ہو رہا ہے, تو ان کا آبویسلی اعتماد بھی بڑھتا ہے اینڈ دے بلیو کہ ٹھیک ہے میرے ڈونیشنز ٹھیک جگہ جا رہی ہیں. عفان صاحب ہمارے پاس یہاں پہ موجود ہیں, سی این سی کنٹرول کمانڈ اینڈ کنٹرول روم میں ہم دونوں موجود ہیں. یہاں آپ کی ایمرجنسی کالز آتی ہیں, ایمبولینس پہ اس وقت ہمارا زیادہ فوکس ہے. ماشاء اللہ 65 ایمبولینسز ایٹ ون ٹائم پورے کراچی شہر میں گھوم پھر رہی ہوتی ہیں, آپ کی خدمت کے لیے یہاں پہ موجود ہوتی ہیں. سر مجھے یہ بتائیں, آپ نے مجھے بتا تو دیا کہ ہم نے یہاں سے کال کی اور ہم نے ایمبولینس ڈسپیچ کرا دی کہ آپ اس علاقے میں جا رہے ہیں. اب مجھے بتائیں کہ بہت سارے پیشنٹس جو ہوتے ہیں وہ ہاسپٹلس کبھی کبھی وہ والے افورڈ کر ہی نہیں سکتے جہاں پہ ایمبولینس ان کو لے کے جا رہی ہے. اگر میں کہوں نہیں آپ مجھے آ خان نہ لے جائیں, مجھے سول ہسپتال لے جائیں کیونکہ میرا بجٹ ہی اتنا ہے, لیکن آ خان بالکل ساتھ میں ہے, تو کیا ایمبولینس کو اجازت ہے ٹو گو اراؤنڈ پیشنٹ کے لحاظ سے یا پھر ایمرجنسی دیکھ کے کہ نہیں فی الحال؟ تو بیسکلی ہمارا جو پروسیسر ہوتا ہے, پروسیس جو ہوتا ہے اس میں یہی چیز ہوتی ہے کہ جو اٹینڈنٹ کی جو کال ہے, جو پیشنٹ کی ول ہے, جہاں وہ جانا چاہتے ہیں ہماری ایمبولینس وہاں لے کے آتی ہے. ہم لوگ خود سے جو ہے فورس نہیں کرتے, اٹینڈنٹ کی ول کے اوپر ہوتا ہے وہ آ خان جائیں یا سول جائیں. ہم لوگ فورس نہیں کرتے, وہ جو بولتے ہیں کہ ان کو جہاں جانا ہے ایمبولینس ان کو وہاں. جو پیرامیڈکس ہوتے ہیں ان کی حالت بھی تو دیکھ کے کہتے ہوں گے کہ یہ 2 منٹ دور ہے, اس میں 25 منٹ شاید لگ جائیں. بالکل, ہمارا ایمبولینس کا اسٹاف ہوتا ہے وہ ایمبولینس کے اندر ان کی جو ہے بالکل جو ہے ان کی ہیلپ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں, گائڈ کرتے ہیں, لیکن اٹینڈنٹ کی ہی ول ہوتی ہے کہ وہ جہاں جانا چاہیں. ہم لوگ ان کو فورس نہیں کرتے کسی بھی صورت میں, بالکل نہیں. جو ان کی ول ہے پہلے وہ دور جانا چاہتے ہیں. رہتے ہیں کیا ہم آ رہے ہیں, ہم اس طرف آ رہے ہیں, یا کوئی بیسکلی جب ڈیزاسٹر سچویشنز ہوتی ہیں مینس, تو اس صورت میں ہم لوگ جو ہے ایمبولینس کو جو ہاسپٹل کو انفارم کرتے ہیں کہ اتنے وکٹمس ہیں جو گن شاٹس کے یا ایکسیڈنٹ کے ریلیٹڈ ہیں, تو اتنے وکٹمس آ رہے ہیں تو آپ اپنے ایمرجنسی ریڈی رکھیں. اس طرح کی انفارمیشن گورنمنٹ ہاسپٹل کو انفارم کرتے ہیں. ورنہ جو ریگولر گھر میں کوئی ایمرجنسی جیسے ہم جیسے لوگوں کو ہوتی ہے تو اس کے لیے تو میرے خیال سے ہاسپٹلس کو الرٹ کرنے کی ضرورت نہیں, ان کی ایمرجنسی وارڈ. بالکل, وہ ایمرجنسی کے وارڈ میں لے کے جایا جاتا ہے. اور اس کے حوالے سے ابھی جو نیا پروگرام شروع کرا ہے آر آر یو کا, آر آر یو کے بارے میں تھوڑا سا ریپڈ ریسپانس یونٹ ہے. ہم نے ایک نیا پروگرام شروع کرا ہے جس میں بیسکلی ہمارے پیرامیڈیکل اسٹاف ہوتے ہیں, ٹرین اسٹاف جن کو بائکس کو جو ہے دی ہوئی ہوتی ہے, اس کے اندر تمام جو اکوپمنٹس موجود ہوتے ہیں آکسیجن ہوتے ہیں یا ایمبولینس سے پہلے پہنچ جاتے ہیں. بالکل, ان کا جو پروسیس ہے یا ان کا جو کام کرنے طریقہ کار ہے وہ یہی ہے کہ اگر ایمبولینس ڈیلے ہو کسی جگہ پہنچنے میں تو پہلے ہماری بائک پہنچ کے اس کو فرسٹ ایڈ دے سکے, تاکہ کنڈیشن مزید ورس ہونے سے پہلے. بائکس بھی انہی سٹیشنز پہ ہوتی ہیں جو ہم نے اپنے ان کے مختلف کی پوائنٹس ہیں, ان کے بھی الگ مختلف کی پوائنٹس ہیں, ان کے بھی کراچی کے اندر مختلف جگہوں کے کی پوائنٹس بنائے ہوئے ہیں. یہ اٹس ڈیپینڈ آن ایمرجنسی کنڈیشن. یہ آر آر یو سروس آپ لوگوں نے کب سے شروع کی ہے؟ زیادہ عرصہ نہیں ہوا, اپروکسیمیٹلی 6 منتھ ہو رہے ہیں. اس کا رسپانس کیسا رہا ہے؟ بہت اچھا رہا ہے, کیونکہ یہ تو کوئک سروس ہو جاتی ہے. بالکل بالکل, بہت اچھا رسپانس ملا ہم لوگوں کو اس چیز کا بھی, اور فردر ان شاء اللہ فیوچر میں اس کو مزید جو ہے آگے انکریز کرا جائے گا ان چیزوں کے حوالے سے. بالکل نہیں, بہت زبردست چیز ہے آر آر یو, ان کا ریپڈ رسپانس یونٹ جو ہے. بیسکلی اگر کوئی ایمرجنسی اور اگر ایمبولینس کو آنے میں ٹائم لگ رہا ہے, پیرامیڈکس آپ کے ساتھ فون پہ تو ویسے بھی ہوتے ہیں, لیکن اگر بائکس پہنچ جاتے ہیں ایٹ لیسٹ آپ کو فرسٹ ایڈ اور فوراً سے پہلے جو آپ کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے وہ آپ کو مل جاتی ہے. سر ایک اور چیز مجھے بتائیں, یہاں پہ آپ لوگ نے اپنے اسکرینس پہ نیوز چینلس بھی لگائے ہوئے ہیں. بالکل, سارے پاکستان کے ٹاپ نیوز چینلس اس وقت آپ کو یہاں پہ نظر آ رہے ہیں. تو خدا نخواستہ اگر کوئی ایمرجنسی ہو تو کیا آپ انتظار کرتے ہیں کہ آپ کو ہی کال آئے, یا پھر آپ کو لگتا ہے اوکے گاڈ فوربڈ یہاں پہ بم بلاسٹ ہے, یہاں پہ فلڈ ہے, یہاں پہ کوئی بھی ایسی چیز آ گئی, فائر ہو گیا تو بھاگو؟ بیسکلی یہ جو ہمارا نیوز سورس ہے, یہ جہاں سے کوئی بھی ایسا انسیڈنٹ کی انفارمیشن ہوتی ہے جو ہمارے پاس کال پہ نہ پہنچ سکے, یہاں پہ فلائٹ آ جاتی ہے ہمارے پاس, تو ہم لوگ اس کے اکارڈنگلی جو ہے وہاں پہ فارورڈ کر دیتے ہیں ایمبولینس کو. اگر فائر کی اطلاع ہے تو ہمارے پاس جو ہے تمام کراچی کے جتنے بھی ٹاؤنز ہیں ان کے فائر اسٹیشنز ہیں,
ان کے نمبر ہمارے پاس موجود ہیں، بالکل، تو ان سے بات کا لوکیشن کلیئر کرنے کے لیے ہم کو یہاں سے کال کرتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں کہ امن سے بات کر رہے ہیں، آپ کے پاس اطلاع ہے آگ لگنے کی کہیں پہ، تو لوکیشن بتاتا ہے، ہم ایمبولینس کو موو کرواتے ہیں۔ تو بیسکلی میڈیا ہمارا ایک طرح سے فورتھ پارٹی ہے جو ہمیں انفارمیشن پرووائڈ کرتا ہے، باہر کال کر کوئی بھی ایسی انفارمیشن ہوتی ہے۔